Let's do question number forty-seven of exercise four e. That is quadratic equation. Question number forty-seven is a train travels one eighty kilometer at a uniform speed. eight speed pe train travel one eighty kilometer distance. If the speed have be had been, agar speed ko eight nine kilometer per hour more, it would have taken one hour less for the same journey. अगर स्पीड नाइन किलोमीटर पर आर बढ़ा दी जाए तो उसको एक घंटा कम लगेगा सेम जर्नी में पहुंचने के लिए फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन तो हमें स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं हमें स्पीड नहीं पता है तो हमने कहा लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्स किलोमीटर पर आ रहा है स्पीड राइट right? अब हमें डिस्टेंस दे रखा है इसमें डिस्टेंस हमें दे रखा है वन एट्टी किलोमीटर अब वन एट्टी किलोमीटर वो एक्स स्पीड पे जाता है अगर लेकिन वो कह रहा है अगर नाइन किलोमीटर स्पीड अगर उसने ज़्यादा कर ली तो एक घंटा कम लगेगा उसको तो इस स्पीड पे जाता है तो उसको एक घंटा कम लगेगा अगर वो 180 किलोमीटर जाता है एक्स स्पीड से जो एक्चुअल में थी स्पीड उस पे 9 पर नाइन किलोमीटर पर आर की स्पीड बढ़ा देता है तो फिर से बता रही हूँ अगर 180 किलोमीटर सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो पहले अगर जो स्पीड पे जा रहा था उसमें अगर वो नाइन किलोमीटर ज़्यादा कर देता है स्पीड तो उसे एक घंटा कम लगेगा नॉर्मल टाइम से तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं अब x की टर्म्स एक साइड और नॉन एक्स टर्म्स एक साइड तो ये आ गया x ये वाली वैल्यू पूरी नेगेटिव हो जाएगी और ये वन इधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे इसको माइनस वन एट्टी अपॉन एक्स प्लस नाइन इक्वल्स टू वन एलसीएम लिया तो ये आ गया x इंटू एक्स प्लस नाइन वन एट्टी की मल्टीप्लीकेशन एक्स प्लस नाइन में माइनस वन एट्टी इंटू एक्स इक्वल्स टू वन आप ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं और ये इधर जाएगा तो सेम वैल्यू आएगी क्योंकि वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगी तो ब्रैकेट्स ओपन किए ये आया वन एट्टी एक्स प्लस ये आ गया जीरो नाइन ज़ीरो जो ज़ीरो नाइन एट जो सेवेंटी टू सेवन नाइन वन जो नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्स सिक्सटीन आ गया माइनस वन एटी एक्स इक्वल्स टू ये आ गया एक्स इंटू एक्स प्लस नाइन एक माइनस का था वन एटी प्लस का था कैंसिल हो गया तो ये बज गया वन सिक्स टू ज़ीरोस टू एक्स इंटू एक्स प्लस नाइन ओपन किए ब्रैकेट्स वन सिक्स टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स अब वन सिक्स टू ज़ीरो लेफ्ट एंड साइड से राइट right एंड चला गया तो ये आ गया माइनस वन सिक्स टू ज़ीरो अब वन सिक्स टू ज़ीरो की एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लीकेशन हुई तो माइनस वन सिक्स टू ज़ीरो एक्स स्क्वायर इसके दो फैक्टर्स बनाने तो वन सिक्स टू ज़ीरो को के फैक्टर्स निकालेंगे टू एट सिक्सटीन टू वन ज टू एंड ज़ीरो अगेन टू से टू फोर ज़ा एट ज़ीरो एंड फाइव अगेन फाइव से फाइव एट ज़ा फोर्टी एंड फाइव वन ज़ा फाइव थ्री से देखिए थ्री टू जिक्स एंड थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन थ्री नाइन ज़ा एंड थ्री थ्री जीन ना अब देखते हैं कि कैसे फैक्टर्स बनाएंगे कि प्लस माइनस करके प्लस का नाइन आए तो देखिए थ्री थ्री इज़ा नाइन नाइन थ्री इज़र ट्वेंटी सेवन एंड टू टू ज फोर फोर फाइव ज़र ट्वेंटी एंड ट्वेंटी थ्री ज़र सिक्सटी ये नहीं आएगा टू फाइव ज़र टेन टेन थ्री ज़र थर्टी एंड थ्री थ्री इज़र नाइन नाइन थ्री इज़र ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन इंटू फिफ्टी फोर भी नहीं बैठ रहा है नाउ फाइव थ्री ज़र फिफ्टीन फिफ्टीन थ्री इज़ा फोर्टी फाइव and two टू ज़ा two टू ज four four into nine thirty six forty five and thirty six हाँ nine बैठ है तो हमारे factors हो गए forty five x and thirty six x तो बड़ा वाला प्लस का आपस में माइनस होंगे तो छोटा वाला माइनस का तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टी फाइव एक्स माइनस थर्टी सिक्स एक्स माइनस वन सिक्स टू ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया एक्स कॉमन आया तो कितना बचा एक्स प्लस फोर्टी फाइव और माइनस थर्टी सिक्स कॉमन आया तो बचा एक्स प्लस फोर्टी फाइव क्योंकि माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा अब एक्स प्लस फोर्टी फाइव आया कॉमन तो ये बच गया एक्स माइनस थर्टी सिक्स इक्ल्स टू ज़ीरो अब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे एक्स प्लस फोर्टी फाइव को जीरो के इक्वल रखा तो एक्स की वैल्यू आ गई माइनस फोर्टी फाइव और एक्स माइनस थर्टी सिक्स को जीरो के इक्वल रखा तो एक्स की वैल्यू आ गई थर्टी सिक्स तो हमारा एवरेज स्पीड कितनी आ गई एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू थर्टी सिक्स किलोमीटर पर आर आंसर Let's do next question now. Question number forty-eight is a train covers a distance of three hundred kilometer at a uniform speed. तीन सौ किलोमीटर ट्रेन कवर कर रही है डिस्टेंस सेम स्पीड पे एक सेम स्पीड पे इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय फाइव किलोमीटर पर आर अगर स्पीड ट्रेन की फाइव किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो जाती है तो वो इट टेक टू आर्स लेस इन द जर्नी तो वो दो घंटे कम लेगी जर्नी में फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन तो हमारी ओरिजिनल स्पीड निकालनी है ट्रेन की तो so, कैसे निकालेंगे चलिए लेट कर लेते हैं स्पीड को लेट द यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ एक्स किलोमीटर पर आर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू एक्स किलोमीटर पर आ रहे और हमारा डिस्टेंस कितना था 300 किलोमीटर तो डिस्टेंस इज थ्री किलोमीटर राइट आप क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में क्वेश्चन में कह रहा है ट्रेन कवर करिए 300 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड और अगर 5 किलोमीटर पर आर की स्पीड इंक्रीज करती है तो उसको दो घंटे कम लगेंगे तो देखिए हमारी ट्रेन 300 किलोमीटर एक्स स्पीड से जाती है अगर वो 300 किलोमीटर फाइव आवर्स की स्पीड इंक्रीज़ कर देती है तो उसको दो घंटे कम लगेंगे यूजुअल टाइम से तो ये आ गया देखिए ये जितने टाइम पे पहुंचने वाली थी उससे दो घंटे कम लगे कब अगर वो स्पीड फाइव किलोमीटर पर आवर इंक्रीज़ कर देती है तो आप करते हैं आगे एक्स की टर्म्स एक साथ और नॉन एक्स टर्म्स दूसरी साइड तो ये वाली जो फिगर थी हमारी ये माइनस की हो गई और ये माइनस का टू इधर आके प्लस का हो गया तो इक्वल्स टू टू आप अगर ये वाली इक्वेशन भी बनाते हैं तब भी करेक्ट होगी अब एल लेते हैं x इन टू एक्स तो ये आया 300 हंड्रेड इंटू एक्स प्लस फाइव माइनस थ्री हंड्रेड इन एक्स इक्वल्स टू टू ब्रैकेट्स ओपन करते हैं तो यह आया थ्री हंड्रेड एक्स प्लस थ्री फाइव ऑफ फिफ्टीन हंड्रेड माइनस थ्री हंड्रेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इक्वल्स टू टू माइनस और प्लस के थे थ्री हंड्रेड एक्स तो कैंसिल हो गए आप देखिए आगे ये बच गया 1500 हंड्रेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स इक्वल्स टू टू यही था हाँ यही था अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ गया 1500 हंड्रेड इक्वल्स टू टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स ब्रैकेट ओपन किया तो यह आया टू एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू फिफ्टीन हंड्रेड फिफ्टीन हंड्रेड लेफ्ट ले आई हूं मैं तो ये आ गया माइनस फिफ्टीन हंड्रेड इक्वल्स टू जीरो अब ये पूरी इक्वेशन डिवाइड हो सकती है टू से तो हमने डिवाइड कर दी तो ये आ गया माइनस का सेवन फिफ्टी इक्वल्स टू जीरो अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हुई तो ये आ गया माइनस सेवन फाइव जीरो एक्स स्क्वायर अब इसके फैक्टर्स निकालने हैं तो 750 फिफ्टी के फैक्टर्स निकाले टू थ्री ज़ा सिक्स एंड फिफ्टीन टू सेवन ज फोर्टीन टू फाइव ज़ा टेन थ्री से देखिए थ्री वन जी थ्री टू जो सिक्स थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन नाउ फाइव इन टू ट्वेंटी फाइव हमें पता है वन ट्वेंटी फाइव फाइव का क्यूब होता है राइट right? अब देखिए कैसे बनेंगे फैक्टर्स की प्लस माइनस करके फाइव आए टू थ्री जो सिक्स सिक्स फाइव ज़ो थर्टी एंड फाइव फाइव ज़ो ट्वेंटी फाइव तो हमारे फैक्टर्स बने थर्टी एक्स एंड ट्वेंटी फाइव एक्स तो बड़ा वाला प्लस का छोटा वाला माइनस का ऑपोजिट साइन लगेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव एक्स माइनस सेवन फिफ्टी इक्वल्स टू ज़ीरो एक्स कॉमन आया तो ये आ गया एक्स प्लस थर्टी माइनस ट्वेंटी फाइव कॉमन आया तो ये आ गया एक्स प्लस थर्टी क्योंकि माइनस कॉमन बाहर था इसलिए साइन चेंज हो गया एक्स प्लस थर्टी कॉमन निकला तो बच्चा एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो ये दोबारा से लिख रही हूँ एक्स प्लस थर्टी एंड एक्स माइनस ट्वेंटी फाइव इक्वल्स टू ज़ीरो तो एक्स प्लस थर्टी को हमने ज़ीरो के इक्वल रखा तो एक्स आया माइनस थर्टी विच इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है तो एक्स हो गया हमारा 25 तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी हो गई एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 25 किलोमीटर पर आर इज़ द आंसर